दोस्तों ट्वेल्थ क्लास का जो लास्ट एग्जाम था वो 2 अप्रैल को हो चुका है और अब आपको इंतजार है कि आपका रिजल्ट कब आएगा और अब की बार रिजल्ट आपका कैसे रहने वाला है। परसेंटेज के हिसाब से आपका रिजल्ट अब की बार अच्छा जाएगा 2024 में अगर हम कंपेयर करें 2023 के हिसाब से। दोस्तों आपके जो एग्जाम स्टार्ट हुए थे वो 27 फरवरी को स्टार्ट हुए थे 2024 में, चाहे आप आर्ट के स्टूडेंट हो, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हो या फिर मेडिकल या फिर कॉमर्स के स्टूडेंट हो, और आपके 2 अप्रैल को एग्जाम खत्म हो चुके हैं। अब आपको फाइनल इंतजार है कि आपका रिजल्ट कब आएगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2023 में जब आपके एग्जाम हुए थे ट्वेल्थ क्लास के वो 27 फरवरी को ही स्टार्ट हुए थे, लेकिन आपके जो एग्जाम खत्म हुए थे 2023 में वो 28 मार्च को खत्म हो गए, यानी कि लास्ट जो एग्जाम था वो 28 मार्च को था और लास्ट एग्जाम 28 मार्च से आपका एक महीना 24 से 25 दिन बाद आपका रिजल्ट जो है HBSC की वेबसाइट पर अनाउंस किया गया था हरियाणा बोर्ड के द्वारा, यानी कि 15 मई 2023 को आपका रिजल्ट आ गया था। लेकिन दोस्तों अब बात करें 2024 की, आप सभी को पता है कि आपका 2 अप्रैल को आपका लास्ट एग्जाम हुआ है, तो इससे अगर हम कंपेयर करें 2023 के रिगार्डिंग तो आपका जो रिजल्ट है मई 20 तारीख से लेकर मई 25 तारीख के बीच में आपका आने वाला है, जो कि आप अपना रिजल्ट HBSC की वेबसाइट पर खुद अपने मोबाइल फोन से लैपटॉप से घर बैठे चेक कर सकते हैं और मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से आपको वीडियो के माध्यम से भी आपको बताता रहूंगा। और पिछले साल के करूं कि पिछले साल आपका रिजल्ट कैसा रहा, यानी 2023 का, यहां पर दोस्तों देखिए 257,116 बच्चों ने एग्जाम दिया था जिसमें 81.65% बच्चों ने 12th क्लास को पास आउट किया था और 47,180 बच्चे ऐसे थे जो कि 12th क्लास में फेल हुए थे, यानी कि उनकी कंपार्टमेंट थी और इसके अंदर वो बिल्कुल फेल थे। तो ये आपका बहुत बड़ा नंबर था पिछले साल, और 2022 में आपका जो रिजल्ट है वो भी काफी अच्छा था, लेकिन 2023 में काफी बच्चे फेल हुए थे, यानी कि आप नंबर देख सकते हो 47,180 बच्चे फेल हुए थे 257,116 में से, यानी कि बहुत ही ज्यादा बच्चे फेल हुए थे पिछले साल। लेकिन 2024 में देखा जा रहा है, जब हमने बच्चों से मीटअप किया जब वो एग्जाम देकर आ रहे थे तो वो बता रहे थे कि अब की बार चीटिंग भी हुई है और इसके अलावा अच्छे पेपर गए हैं सभी बच्चों के, लेकिन उससे उम्मीद लगता है कि अब की बार जो आपका रिजल्ट है वो काफी अच्छा रहने वाला। और पिछले साल दोस्तों हरियाणा के 6 बच्चों ने टॉप किया था, आप नाम मेरी वीडियो पर देख सकते हैं। पहला जो फर्स्ट नैन्सी थी जिन्होंने 500 में से 498 नंबर लिए थे, सेकंड पे जसमीत कौर थी जिन्होंने 500 में से 497 नंबर लिए थे, और थर्ड पे जो थी यहां पर रैंक में कनुज, मानसी सैनी और प्रिया जिन्होंने 500 में से 496 नंबर लिए थे। तो ये पिछले साल के टॉपर थे, लेकिन अब की बार कुछ नंबर ज्यादा होने वाला है क्योंकि दोस्तों अब की बार जो एग्जाम है काफी आसान था और काफी बच्चों का जो एग्जाम है काफी अच्छा भी गया है। तो अभी फिलहाल आपको वेट करना है और मैंने आपको बता ही दिया है कि आपका जो रिजल्ट है वो 20 मई से लेकर 25 मई के बीच में 2024 को आ जाएगा, तब तक आप वेट कर सकते हैं और अपनी नेक्स्ट क्लास के लिए तैयारी कर सकते हैं कि आपको 12th के बाद जैसे कि आपने साइंस ली है तो आप क्या बनना चाहते हो, आपने आर्ट ली है तो आप IPS की तैयारी कर सकते हो, आपने नॉन मेडिकल ली है तो आप BSc वगैरह कर सकते हो, या आपकी ड्रीम होगी कुछ ना कुछ आपकी ड्रीम होगी तो आप उसकी तैयारी कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपके एग्जाम अच्छे गए हैं और आप अच्छे नंबरों से पास होंगे। दोस्तों आपको रियलाइज हो जाता है कि जब आप पेपर देने जाते हो तो उसमें आपको पता चल जाता है कि आपने कितने नंबर का पेपर अटेंड किया है, खुद पर भी कुछ ना कुछ विश्वास होता है कि मैं इतने नंबर मेरे पक्का आ जाएंगे और मैं बड़े अच्छे नंबर से पास होंगे और मुझे ये पढ़ाई करनी है। तो दोस्तों आप अपनी नेक्स्ट पढ़ाई की तैयारी कर सकते हो जो भी आप बनना चाहते हो, जो भी आपकी ड्रीम है, और मैंने दोस्तों आपको बता ही दिया है कि आपका जो रिजल्ट है वो आपका 20 मई 2024 से 25 मई 2024 के बीच में आपका आ जाएगा, यानी कि पिछला डाटा के साथ आपका कंपेयर किया जो कि हर साल इसी डेट को आपका रिजल्ट अनाउंस होता है, यानी कि 2-4 दिन आगे पीछे हो सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से वीडियो बनाकर दे दूंगा, इसलिए दोस्तों मैं आपको बार बार बोलता हूं कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन पर प्रेस कर देना ताकि हम जैसे ही वीडियो पकड़े आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।